हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी फिटनेस। मैं हूँ शिवानी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप जिम में न्यू हैं, पहली बार जा रहे हैं या आपने नई एंट्री ली है जिम में और आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या आपको परफॉर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगी। कई बार ऐसा होता है हम ट्रेनर से पूछने में ऑकवर्ड फील करते हैं, कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, फीमेल्स के लिए स्पेशली ये इशू रहता है। और बाकी ये है कि कई जगहों में ट्रेनर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपको वर्कआउट बताऊंगी जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब आ गए हैं हम वेट ट्रेनिंग सेक्शन में, जिसमें मैं आपको वेट ट्रेनिंग बताऊंगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप बिगनर्स हैं तो आपको कोई भी फ्री वेट एक्सरसाइज नहीं करनी। आप मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे आप मशीनों का यूज़ करेंगे, आपको मशीनों से ही वर्कआउट करना है। और दूसरी बात ये है कि मैं आज आपको तीन बॉडी पार्ट बताने वाली हूँ, जो आपका फर्स्ट डे है जिम में। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको उसमें बाकी का वर्कआउट बताऊंगी जो हमारे बॉडी पार्ट रह जाएंगे। और ये जो मैं वर्कआउट बताऊंगी ये आपको फॉलो करना है एटलीस्ट 1 वीक तक, जब तक आपका मसल पेन खत्म नहीं होता है। उसके बाद में आपको आना है और आपको कंपाउंड एक्सरसाइज पर ध्यान रखना है। हम जो भी परफॉर्म करेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है चेस्ट की इंक्लाइन प्रेस। तो आप इसको देखिए, आपको 3 सेट्स करने हैं, 15 रैप्स करने हैं आपको। चीज का ध्यान रखना और प्रॉपर पॉस्चर में करिए। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपको जो परफॉर्म करके दिखाया है इंक्लाइन बेंच प्रेस, ये आपको 3 सेट्स करने हैं, 15 रैप्स करने हैं। वेट आपको लाइट रखना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। तो ये मैं दिखाने जा रही हूँ आपको सेकंड एक्सरसाइज, जिसका नाम है बटरफ्लाई। तो ये भी आपको वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना है, 3 सेट्स 15 रैप्स याद रखिएगा। और प्रॉपर पोजीशन में करिएगा, चेस्ट अप एंड बैक स्ट्रेट, यू हैव टू सिट लाइक दिस। और ये आपको हाथ प्रॉपर इस तरीके से लेकर जाने हैं और इस तरीके से वापस लेकर जाने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कआउट पे चलते हैं, जो है हमारी बैक की एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखाऊंगी दो एक्सरसाइज जो है बैक के लिए। तो इसके भी 3 सेट्स 15 रेप याद रखिएगा, वेट अपने अकॉर्डिंग उठाना है आपको। तो इसका नाम है सीटेड रोइंग, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से यहाँ से होल्ड करना है, इस तरीके से बैठना है, बैक शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। आपको इस तरीके से ही बैठना है और इस तरीके से आपको लेकर जाना है पीछे की साइड। तो चलिए ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जो है शोल्डर ट्रेन करेंगे, जिसमें हम आपको 3 सेट 15 रैप याद रखने हैं। वेट आपको अपने अकॉर्डिंग उठाना है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है आप उतनी ही उठाइएगा, ज़्यादा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हम तो जैसे ये परफॉर्म करना है मैं आपको दिखाती हूँ उस तरीके से। तो ये फर्स्ट डे की आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको लाइट लाइट वेट के जो है डंबल्स लेने हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में, जिसका नाम है साइड लेटरल रेजेस, जो आपको 3 सेट 15 रेप्स करने हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा।
में आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं या आपको शोल्डर लेवल तक लेकर जाना है, देन फिर वापस नीचे। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का वर्कआउट जिसमें हमने अपर बॉडी कवर करी है, लाइक चेस्ट, बैक एंड शोल्डर। बाकी के जो बॉडी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप जरूर करना है। मैंने वार्म अप की वीडियो बनाकर डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको फॉलो करिएगा। पहले वार्म अप करिएगा, उसके बाद में स्टार्ट करिएगा वर्कआउट। वेट अपने अकॉर्डिंग उठाइएगा, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उठाइएगा। मेरी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ।